अस्पताल में खुला जहन्नुम का दरवाजा। खूनी लिफ्ट के अंदर से निकला नरकंकाल। सालों बाद खुला भूतिया दरवाजा। नमस्कार, मैं अमन और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। अस्पतालों से लाशें निकलना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस अस्पताल से लाश नहीं नरकंकाल निकले, वो भी ऐसी जगह से जिसके बारे में ना तो कोई सोच सकता है और ना ही कभी किसी के जहन में आया होगा। जी हाँ, रीवा शहर में स्थित संजय गांधी अस्पताल में शनिवार को कुछ ऐसा हुआ। अब ये देश भर में चर्चा का विषय बन गया है। जानकारी के मुताबिक संजय गांधी अस्पताल में शनिवार को कलेक्ट्रेट का दौरा था। उनके इस दौरे से पहले अस्पताल के हालात ठीक ठाक करने की कवायद शुरू हुई। इस दौरान अस्पताल के एक साल से खराब पड़ी लिफ्ट का भी नंबर आ गया। इस लिफ्ट को जैसे ही खोला गया सभी लोगों के होश उड़ गए। लिफ्ट में एक कंकाल पड़ा था। हालांकि अब कंकाल किसका है इस संबंध में कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। कंकाल की खबर मिलने के साथ ही जिला प्रशासन, अस्पताल प्रबंधन और पुलिस सकते में आ गई और तत्काल मामले की जांच शुरू कर दी गई है। अस्पताल के लिफ्ट में कंकाल मिलने के बाद अस्पताल प्रबंधन पर एक के बाद एक सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है। सवाल नंबर एक, जब अस्पताल की लिफ्ट इतने समय से खराब थी तो उसे सही क्यों नहीं करवाया गया? सवाल नंबर दो, जब लिफ्ट खराब हुई तो उसे चेक क्यों नहीं किया गया कि कहीं उसमें कोई फंसा तो नहीं है? सवाल नंबर तीन, लिफ्ट में फंसकर किसी मरीज या उसके परिजन की मौत हुई है या फिर किसी ने हत्या करके लाश को यहीं पर ठिकाने लगा दिया? सवाल नंबर चार, जिस व्यक्ति की ये लाश है क्या उसके परिजन उसे खोजने का प्रयास नहीं किए? सवाल नंबर पांच और सबसे अहम सवाल कि क्या इस अस्पताल की साफ सफाई भी कोरोना काल में नहीं हुई और जो इस कंकाल के बारे में अब पता चला है? वहीं सफाई कर्मचारियों का कहना है कि लाश पूरी तरह सूख कर कंकाल में बदल चुकी है, इसलिए ये बता पाना भी दूर की बात है कि ये किसकी है। ये तक पता नहीं चल पा रहा है कि ये किसी पुरुष की है या फिर महिला की है। कंकाल मिलने के साथ ही अस्पताल प्रबंधन ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस अब मामले की जांच करके हर पहलू को सुलझा रही है। साथ ही मृतक की पहचान करने में भी पुलिस जुट गई है। अब आपकी क्या राय इस पूरी खबर को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहें वीके न्यूज़।